इंदौर के पास ग्राम कदवा में गंगा जमुनी तहसीब का परिचय देते हुए मुस्लिम समाज द्वारा कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया एवं स्वल्पाहार कराया गया। स्वागत के साथ साथ कांवड़ यात्रियों के साथ पूरा मुस्लिम समाज गांव के बाहर तक साथ गए। ग्राम कदवा के आशिक पटेल ने बताया कि मुस्लिम समाज द्वारा कांवड़ यात्रियों का कई वर्षों से स्वागत किया जा रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए सभी मुस्लिम भाइयों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ग्राम कदवा में एक नहीं दो मंच लगाकर कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें पूर्व सरपंच लियाकत पटेल एवं उनके बेटे निर्विरोध उप सरपंच द्वारा भी भव्य स्वागत हुआ। कांवड़ यात्रा के मुख्य रितेश पाल ने बताया कि ग्राम कदवा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा भव्य स्वागत किया गया एवं मैं आभारी हूँ सभी मुस्लिम समाज का, जो स्वागत ही नहीं बल्कि गांव में आते ही लेने आते हैं एवं गांव कांकड़ तक हमारे साथ जाते हैं। एवं आशिक पटेल, लियाकत पटेल उप सरपंच एवं गांव के सभी लोगों का कहना था कि हम जब तक जीवित हैं तब तक हमारे गांव में कोई भी यात्रा हो धार्मिक सामाजिक उसका सम्मान स्वागत करते रहेंगे। उप सरपंच बोलबम कांवड़ यात्रा का ग्राम पंचायत कदवा द्वारा सभी नायता पटेल मुस्लिम समाज द्वारा स्वागत किया गया। मैं ऐसे ही हिंदू मुस्लिम भाईचारों की कामना करता हूं एवं सभी को अच्छी प्रेरणा देता हूं और सभी देशवासियों को यही हिंदू मुस्लिम भाईचारों का संदेश देना चाहता हूं कि आपस में अपना भाईचारा बना रहे। भैया ये आज नहीं किया गया, ये शायद पत्रकार बंधुओं ने देखा आज है। ये आज नहीं किया गया, जब भी यात्रा यहाँ से निकली है मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया है और सभी पार्टी के लोगों ने, मतलब ये राजनीतिक भी नहीं है और ना हिंदू मुसलमान वाला है। यहाँ से जब भी शिव जी की यात्रा निकलती है तो देवतुल्य लोग यहाँ के भगवान भोलेनाथ का करते हैं और शायद ये कहीं ना कहीं घर वापसी की तैयारी है। आज ये 3 दिवसीय यात्रा का आज गांव कदवा पटवा से निकलना हुआ है। मित्र आशिक पटेल जी एवं युवा साथियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए यात्रा का स्वागत किया गया और स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। बहुत धन्यवाद करते हैं। जी का कहना है यहाँ पर मुस्लिम समाज द्वारा हर वर्ष की तरह, मतलब हर साल स्वागत किया, बिल्कुल हर वर्ष की तरह जब भी तहजीब का यहाँ पर नजारा देखने को मिलता है। और सब भाई हमारे लोग हैं और हम, मतलब बाबा महाकाल की यात्रा जब भी निकलती है तो हम पूरे गांव के लोग, मतलब इकट्ठा होकर इनका स्वागत किया जाता है। रितेश जी का कहना है कि सिर्फ गांव में ही नहीं, गांव से पूरे, मतलब आगे तक मुस्लिम समाज लोग छोड़ने जाते हैं यात्रा को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल छोड़ने जाते हैं हम, बिल्कुल। क्या हमारा भाई है, बड़े भाई है हमारे रितेश पाल जी।